मुझे ये बताओ कि चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे ना। तुमने मटेरियल वगैरह तुम लोगों ने क्या करा वो बता दिया है ना, ठीक है। तुम में से किसी ने, जैसे ओम ने एनसीईआरटी के बारे में बता दिया, गौरी तुमने एनसीईआरटी सॉल्व करी थी, एनसीईआरटी सॉल्व करी थी, पढ़ी थी, क्या करा था फिजिक्स का? सर सॉल्व तो नहीं की थी बट और मैंने एनसीईआरटी बिगिनिंग में काफी निग्लेक्ट करी थी बट एग्जाम से 1 हफ्ता पहले मैंने पूरी एनसीईआरटी फिजिक्स की उठा के पढ़ी थी वेरी पूरी गुड, डिटेल में। वेरी तो गुड। उससे तुम्हारे बोर्ड में भी हेल्प हुई, बोर्ड और दोनों में हेल्प हुई। नहीं सर बोर्ड्स में एनसीईआरटी से तो कुछ नहीं आता है बट कोई जरूरत नहीं पड़ी थी एनसीईआरटी की बोर्ड्स के ये तो बहुत ही लिए गलत बट एडवाइस दे दी तुमने, पर ठीक है। तुम सीबीएसई बोर्ड से ही थे है हाँ ना? नहीं सर मैं आईसीएसई से हूँ। अच्छा ठीक है, तो एक अलग बात है भाई। बाकी मैं बता देता हूँ है ना, क्योंकि मुझे करेक्ट करना जरूरी है। जितने भी बच्चे सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं तो सीबीएसई वाले हाँ एनसीईआरटी को बिल्कुल, लिखा तो रहता है हाँ उसको हाँ यहाँ तक कि एक याद करके रीडिंग भी जाना मारना ही रहता है चाहिए, ये एक कि अच्छी हैबिट है। एक रीडिंग आपको एनसीईआरटी की पूरी माननी है, फिजिक्स की भी माननी है। क्वेश्चन सॉल्व ना करो, दैट इज ऑप्शनल, माननी है। उससे तुम्हारे एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प होती है और नीट में भी हेल्प होती है ना? ठीक है चलो। और अश्विनी, अच्छा तुम तो ड्रॉपर थे। हाँ मैंने एग्जाम से पहले जो एनसीईआरटी पढ़ी थी हाँ वो मतलब काफी फोकस दिया था ग्राफ्स पे और जो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं एग्जाम्पल्स होते हैं ठीक उन है पे ठीक बिकॉज है मैंने देखा था 2021 में या 2022 में आया 2020 में आया था क्वेश्चन एक एनसीईआरटी ग्राफ से जो बच्चों का गलत हुआ था काफी। तो तुम वो कहना चाह रहे हो जो कंडक्टर इंसुलेटर का कुछ आया था? हाँ सर हाँ वो तो कंडक्टर आपने वाले कंडक्टर क्लास क्लास में आपने रेजिस्टिविटी बताया वाला। था वो मेरे नोट्स में था वो तो ठीक है, वही मैं उसी की बट बात कर रहा हूँ। मैंने अंदर अच्छा सेफ ठीक साइड है। रहने के लिए शायद फिजिक्स में इलास्टिसिटी में एक कुछ एओटा का इलास्टिसिटी और हार्ट की किसी चेम्बर का इलास्टिसिटी उसका भी एक ग्राफ दिया हुआ है काफी अलग सा वो सब मैंने देखे थे कि ठीक बाय है चांस अगर आ जाए कुछ। ठीक है चलो, अच्छी बात है। और अश्विनी तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है, रीडिंग मारी थी, सॉल्व करी थी, कुछ करी थी? नो सर नहीं भाई, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। और भाई तुमने संदीप? अभी चैप्टर पढ़ता था मतलब हो जाता था तो एक बार एनसीईआरटी को देख लेता था पेजेस पलट के कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है टॉपिक्स या फिर मतलब। और बैक एक्सरसाइज में सर कभी कभार जो एडिशनल क्वेश्चंस करके होते हैं एक एडिशनल एक्सरसाइज करके उसके क्वेश्चंस देख लेता था सर अच्छा देख लेता है, बस। मतलब तुमने सॉल्व करी है कि हाँ रैंडमली सर कुछ? मैंने सॉल्व करके जल्दी से सोल्यूशन मैच कर लेता था टाइम बाउंड की मुझे आधे घंटे में ही करने हैं मतलब इतने ये क्वेश्चन। तुमने कब करी थी, 11th 12th के दौरान करी थी कि अभी जो ड्रॉपर लिया था तभी करी थी? मैंने सर इस टाइम ही करी थी ये जैन तक मतलब देख रहा था जो चैप्टर्स कर रहा था ना मैं अच्छा एनसीईआरटी के साथ ही कर रहा था डीसी पांडे और एनसीईआरटी को लेके शुरू में अच्छा और फिर जब बट तुम फिर बाद में क्या होता था सर कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो नहीं हो पाते थे या फिर तो उन्हें सर्कल कर लिया था बट सर मैंने 1 महीने पहले एनसीईआरटी के जो सर्कल वाले क्वेश्चन जो मेरे डाउट थे ना उनके मैंने सोल्यूशन देख लिए थे मतलब कि अच्छा ये था यहाँ ये गलत कर रहा था तो उससे मेरे को लगता है कि पूरा रिविजन बहुत अच्छे से हुआ मतलब नहीं करना पूरा चाहिए। अगर तुम्हारे डाउट ही एनसीईआरटी का। सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, अगर क्वेश्चन सॉल्व करे सो और 5 डाउट है पर उनको क्लेरिफाई नहीं करा तो वो बर्बाद हो गया, यस वो बर्बाद हो गया ना, क्योंकि वो डाउट ही तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट में मतलब कॉन्सेप्ट में होल्स है, उनको क्लेरिफाई करना जरूरी है ना? बहुत ठीक है। ज्यादा सर। और एक डाउट कॉपी मतलब कि तुम्हारे जो डाउट्स हैं उनको हर दिन मतलब अगर आज तुमने कुछ क्वेश्चंस करे जैसे तो सर मैं क्या करता था उन्हें एक नोटपैड में लिख लेता था कि ये मेरे क्वेश्चंस हैं और जल्दी से जल्दी कहीं पे भी मतलब सॉल्यूशन देख लेता था उसका मतलब और ठीक तभी है मतलब होता था ये। तो इसमें बताएं सर वो कॉपी मतलब ये था कि कम से कम एक पेज में सर मतलब 30 40 डाउट्स मतलब सर्कल करके ये पढ़ी इस है तुम्हारे चैप्टर पास से कॉपी, क्या सर। कॉपी पढ़ी है अभी? सर अभी तो बताई ना वो छोटा सा नोट पैड नहीं अच्छा आता हाँ, सर अच्छा उस उसमें लिखता था अच्छा अगर होगी तो सर मैं आपको भेज दूंगा अगर उसकी पिक्स। अच्छा कोई नहीं, नहीं मैं कहता अभी दिखा देते, चलो कोई नहीं है ना, चलो देखते हैं बाद में ना, हाँ चलो ठीक है ना।